हेलो गाइस, वेलकम टू रासायनिक इंजीनियर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि कैसे सल्फ़र का एक्सट्रैक्शन किया जाता है फ्रास प्रोसेस से, और सल्फ़र के यूजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के कर देते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले जो सल्फ़र हमारा होता है वो ज़मीन में सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसे बाहर निकालने के लिए हम तीन कंसेंट्रिक पाइप को ज़मीन के अंदर पंप किया जाता है या बोर किया जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे बाहर वाली पाइप है उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट पाइप। ओके, सबसे बाहर वाली ये जो पाइप है उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट पाइप। जो सबसे अंदर वाली पाइप होती है उसे हम कहते हैं इनर मोस्ट पाइप। और ये दोनों के बीच में जो पाइप होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल पाइप। ओके, अब जो ज़मीन के अंदर सल्फ़र है वो सॉलिड फॉर्म में है, उसे मेल्ट करने के लिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं, और ये हीट ट्रीटेड वाटर या फिर डिस्टिल वाटर को 160 से 180 डिग्री सेल्सियस गर्म करके बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट पाइप है वहाँ से पास किया जाता है। अब इसे वाटर फॉर्म में रखने के लिए उसका जो प्रेशर है वो 25 एटमोस्फेरिक रखा जाता है, इसलिए ये जो सुपर हीटर वाटर है उसको सबसे बाहर वाली पाइप में से पास करेंगे तो हमारा सल्फ़र जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेल्ट तो हो गया और अब इसे यहाँ से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए ये जो सबसे इनर मोस्ट पाइप है, जो सबसे ये इनर मोस्ट पाइप, यहाँ से हम एयर को कंप्रेस करके पास करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से एयर कंप्रेस होकर नीचे आएगी, हमारा सल्फ़र जो मेल्ट हुआ है वो ये सेंट्रल वाली पाइप में से ऊपर आ जाएगा। अब ये सल्फ़र को हम हीट एक्सचेंजर में पास करेंगे और यहाँ हीट एक्सचेंज करवाएंगे वाटर से, तो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो स्टीम है उसको हम फर्दर पावर जनरेटिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पावर जनरेटिंग के लिए। अब हमारा सल्फ़र दो फॉर्म में शिफ्ट किया जाता है। सबसे पहला जो शिफ्ट किया जाता है वो होता है सल्फ़र ऐसे ही मोल्टन फॉर्म में रहने देते हैं, और मोल्टन फॉर्म में रखने के लिए हम यहाँ से स्टीम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सॉलिडिफाई ना हो जाए। और जो दूसरा मेथड है शिफ्ट करने का, वहाँ उसे सॉलिडिफिकेशन वैट्स में पास किया जाता है। ये एक टाइप का टब होता है जहाँ सल्फ़र को ड्राई होने देते हैं और उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब दोनों मेथड से जो सल्फ़र शिफ्ट किया उसे फर्दर प्रोसेस के लिए शिपमेंट या रेलवे से पास किया जाता है। अब ये जो फिल्टर है, प्रेशर फिल्टर, ये ऑप्शनल है। इसे जो हम अनवांटेड कंटेंटमेंट है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकालने के लिए यह फिल्टर हम यूज़ करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली कार्बोनियस कंटेंटमेंट यहाँ से निकल जाते हैं। और प्रोसेस के बाद जब यहाँ से जो वाटर मिलेगा उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होगी, इस इम्प्योरिटीज़ वाले वाटर को हम कहते हैं ब्लीड वाटर, और ये ब्लीड वाटर में से इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए और उसे रिसाइकल करने के लिए हम एरेटर्स में से पास करते हैं, और रिसाइकल वाटर हम फर्दर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो ब्लीड वाटर है उसके अंदर H2S की इम्प्योरिटीज़ होती है जो हम यहाँ से निकाल लेते हैं और फर्दर यूज़ कर लेते हैं। इस प्रोसेस जैसे सल्फ़र मिलता है वो 99.8% प्योर, 99.8% प्योर सल्फ़र मिलता है। ठीक है, अब इसके यूजेस के बारे में जान ले, सल्फ़र का यूज़ क्या होता है। तो सल्फ़र का यूज़ होता है सल्फ़र फायरवर्क्स और मैचेस बॉक्स जो होती है हमारे घर पे, वो बनाने के लिए यूज़ होता है। रबर के वल्कनाइजेशन में, नेचुरल रबर थोड़ा सॉफ्ट होता है और स्टिकी होता है, तो सल्फ़र के एडिंग से हम उसे थोड़ा नॉन स्टिकी बना देते हैं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देता है, हार्ड बना देता है, उसे रबर वल्कनाइजेशन कहते हैं। और रबर के वल्कनाइजेशन में सल्फ़र का यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फ़र को SO2 गैस कन्वर्ट करने कर देते हैं, और फिर SO2 गैस का यूज़ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए करते हैं। अब सल्फ़र का यूज़ ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होता है। हेयर को स्पेसिफिक शेप देने के लिए हम सल्फ़र ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। स्किन डिजीज से क्योरिंग के लिए सल्फ़र यूज़ होता है।
वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है और गन पाउडर के लिए यूज़ होता है। अब ये यूजेस याद रखने की एक ट्रिक है जो कुछ इस हिसाब से है, फ्रास फ्रास जी, एफ स्टैंड्स फॉर फायरवर्क, आर फॉर रबर वल्कनाइजेशन, ए फॉर एसिड, एसिड ऑब्वियसली सल्फर में से मिलता है इसलिए होगा सल्फ्यूरिक एसिड, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हेयर, सी स्टैंड्स फॉर क्योरिंग ऑफ स्किन डिजीज, एच स्टैंड्स फॉर वाटर ट्रीटमेंट, वाटर मतलब H2O ट्रीटमेंट, एंड जी जी स्टैंड्स फॉर गन पाउडर। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर यूजिंग फ्रास प्रोसेस और सल्फर के यूजेस। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ सजेशंस हो तो बताना, इम्प्रूव करते रहेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।